वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा के बॉक्स ऑफिस फेलियर की कहानी दोबारा इसलिए आपके सामने आ रही है क्योंकि बॉलीवुड के एक बड़े फिल्म मेकर अक्षय को डिफेंड करने आगे आ गए हैं। आई डोंट नो व्हाई पीपल लाइक टू ब्लेम अदर्स। आई थिंक इन रिलेशनशिप इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ऑल्सो रिस्पेक्ट the failure as much as you enjoy the success। जी हाँ, विपुल शाह अक्षय को हर ब्लेम से बचाने सामने आ गए हैं। दरअसल वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा के फेलियर्स को लेकर पिछले दिनों काफी ब्लेम गेम मीडिया ग्लेज में आया था। एक तरफ जहाँ रिपोर्ट्स आई कि अक्षय ने फेलियर की वजह से एकता को अपना हाफ रेम्यूनरेशन अमाउंट वापस करने का ऑफर दिया, वहीं ये न्यूज भी गर्म रही कि वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा की नाकामी के बाद इमरान खान को एकता की अपकमिंग फिल्म मिलन टॉकीज से बाहर का रास्ता दिखाया गया। हालांकि ऐसे सवालों को ये स्टार्स नजरअंदाज करते आए हैं। इट्स रियली बेस्ट नॉट टू डवेल ऑन द पास्ट। आई बिलीव यू इफ यू हैव इफ यू कैन नॉट से समथिंग गुड डोंट से एनीथिंग एट ऑल। अंडरस्टैंड? व्हाट डू यू मीन? यू विल नो व्हेन यू मीट हिम लेटर। ही विल टेल यू एवरीथिंग। आई मीन दैट आई थिंक दैट थिंग्स जस्ट टर्नड इनटू एन अननेसेसरीली अग्ली public conversation which is never my intent, so I really don't want to say anything at all about it, frankly I think nothing good can come of it। लेकिन इमरान और अक्षय जैसे स्टार्स की चुप्पी के बावजूद ये खबरें लगातार आ रही हैं कि एकता कैंप वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा के फेलियर से अब तक उबर नहीं पाया है। पर एकता को ही नहीं बल्कि ऑडियंसेस को ये देखकर हैरानी हो सकती है कि एक्शन रिप्ले के प्रोड्यूसर विपुल शाह अभी भी अक्षय को डिफेंड कर रहे हैं। आई डोंट नो अबाउट अदर्स। आई थिंक अक्षय हैज बीन अ वेरी वेरी प्रोफेशनल पर्सन एंड दैट्स व्हाई ही इज लास्टेड इन द इंडस्ट्री फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। I don't know why people like to blame others. When Action Replay didn't do well, I took the blame on me. I don't think there is any point in blaming anybody else. In fact, Akshay told me not to have that look in the film, which I was insisting. And I think a lot of people didn't come to see the film because they didn't like the look that Akshay had in the film. Today, when they see it on satellite, they call me and say, "Arre, hum to look itna Akshay ka ajeeb tha, to hum gaye nahi." बट हमने अभी सैटेलाइट पे फिल्म देखी और वो बहुत अच्छी पिक्चर है। विपुल शाह जूम को दिए अपने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में एक्शन रिप्ले के फेलियर की जिम्मेदारी लेने से जरा भी नहीं कतराए। उन्होंने क्लियर कर दिया कि अक्षय के जिस लुक की वजह से फिल्म नहीं चली उसे फिल्म में ना रखने की हिदायत खुद अक्षय ने उन्हें दी थी, लेकिन अक्षय की सलाह न मानने पर जोर का झटका लगा उन्हें बॉक्स ऑफिस पर और फिल्म फ्लॉप हो गई। लेकिन उन्होंने एक्शन रिप्ले के फेलियर को लेकर कोई ब्लेम गेम नहीं किया। आई कुड हैव आल्सो डन द सेम but I choose not to because whatever is my fault is my fault. The decision to have that look on Akshay was my choice and I have to accept the blame for it. यानि विपुल शाह ने इतना इशारा तो कर ही दिया है कि अक्षय की फिल्म के फेलियर के पीछे सिर्फ अक्षय और बाकी एक्टर्स को गलत ठहराया जाना गलत बात होगी। वैसे विपुल शाह ने इस बात पर कोई कमेंट नहीं किया कि वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा को सक्सेस ना मिलने का असली रीजन क्या है। वो रीजन अक्षय कुमार का लुक भी हो सकता है और इमरान खान का भी या फिर कोई और रीजन भी हो सकता है, पर विपुल ने ये इशारा जरूर किया है कि किसी भी प्रोजेक्ट में एक्टर्स की ही तरह और शायद उससे ज्यादा फिल्म मेकर्स इन्वॉल्व होते हैं। प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स किसी फिल्म के की डिसीजन मेकर्स होते हैं। ऐसे में किसी भी फिल्म के फेलियर के लिए सिर्फ एक्टर्स को गलत ठहराया जाना किसी भी हिसाब से सही नहीं है। वैसे ये सवाल हमने जूम के ट्विटर फॉलोअर्स से भी पूछा कि फिल्म के फेलियर के लिए किसे ब्लेम किया जाना चाहिए, एक्टर्स को या फिर फिल्म मेकर्स को। रिप्लाई में कुछ इंटरेस्टिंग आंसर्स हम आपको शो के अंत में जरूर दिखाएंगे। फकुनाल मांडेकर, जूम मुंबई।